गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास ट्वेल्थ का पोइट्री का चैप्टर लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, चुप रहना। चुप रहना, यहाँ पर जो चैप्टर के जो पोइट हैं पेब्लो नेरुडा, वो ये कहते हैं हमसे, हम सभी से कहते हैं कि हम सभी को अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए, खुद अपने लिए समय देना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। वो हमसे कहते हैं कि हमें थोड़ी समय के लिए पूरी इस दुनिया के लोगों को रुक जाना चाहिए, और रुकने के बाद हमें इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं कि क्या वो सही है या बस करते ही जा रहे हैं, है ना। और वो हमें सलाह देता है कि हमें अपने अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आत्मचिंतन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, लोग भाग दौड़ भरी दुनिया में बस भागते जा रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपना आत्मचिंतन करे या सेल्फ एनालिसिस करे। तो वो हमें सेल्फ एनालिसिस करने की सलाह दे रहा है। ठीक है, तो चलिए लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम बारह तक गिनेंगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से 12 तक गिनेंगे। यहाँ जो 12 शब्द है वो डिनोट कर रहा है घड़ी की बारह सुइयों को, 12 आवर होते हैं ना घड़ी के, तो उनको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी स्टिल रहेंगे। स्टिल मतलब स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे। हम सभी क्या रहेंगे? स्थिर रहेंगे और शांत रहेंगे। ठीक है, दोनों लाइनें समझ में आई? नाव द्वारा से समझ लो। नाव वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी स्टिल रहेंगे। स्टिल मतलब शांत रहेंगे, है ना, स्थिर रहेंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, फॉर क्योंकि वंस एक बार अर्थ के फेस पर, फेस मतलब धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, हमें लेट्स नॉट स्पीक, बात नहीं करनी चाहिए इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, यानी वो हमें मौन रहने की सलाह दे रहा है और हमसे कह रहा है कि हमें पृथ्वी के धरातल पर किसी भी भाषा में, चाहे हम हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, कन्नड़ बोलते हो, मलयालम बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, तो किसी भी लैंग्वेज में हमें बात नहीं करनी है, कुछ समय के लिए हमें मौन रहना है और अपना आत्मचिंतन करना है। तो दोबारा से देख लो, फॉर क्योंकि एक बार ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के धरातल पर, लेट्स नॉट स्पीक, बात ना करें इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, यानी पोएट हमें सलाह दे रहा है कि हमें एक दूसरे से बात नहीं करनी चाहिए और अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। ठीक है, लेट्स स्टॉप, हमें रुकना चाहिए, फॉर वन सेकेंड, एक सेकेंड के लिए ही सही, लेकिन हमें रुकना चाहिए। एंड नॉट मूव अवर आर्म्स, और हमें अपनी आर्म्स मतलब भुजाओं को नहीं चलाना चाहिए सो मच, बहुत ज़्यादा, और हमें अपनी भुजाओं को, या आर्म्स का मतलब भुजाएं भी हो सकता है और अस्त्र शस्त्र भी हो सकता है, और हमें भुजाओं को या अपनी अस्त्र शस्त्रों को नहीं ज़्यादा चलाना चाहिए। ठीक है, यानी हमसे इनएक्टिव होने के लिए कह रहा है थोड़ी देर के लिए, कि थोड़ी देर के लिए हम सभी को रुक जाना चाहिए, और हम जो मार काट कर रहे हैं या एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं या एक दूसरे को दुखी कर रहे हैं, वो सब हमें कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट, यह एक एग्जॉटिक मूवमेंट होगा। एग्जॉटिक का मतलब होता है स्ट्रेंज, अनोखा। एग्जॉटिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, अनोखा। यह बहुत ही अद्भुत मूवमेंट होगा, मूवमेंट मतलब क्षण होगा, यानी जब पूरी दुनिया एक साथ एक ही कंडीशन में रुक जाएगी, तो वो जो देखने लायक माहौल होगा, देखने लायक दृश्य होगा, तो वो कह रहा है इट वुड बी, यह होगा एन एग्जॉटिक मूवमेंट, एक अनोखा ही दृश्य, एक अद्भुत ही दृश्य, एक यूनिक होगा, एक अनोखा दृश्य होगा, विदाउट रश, जहाँ कोई रश नहीं होगा, रश मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, है ना, कोई हलचल नहीं होगी, कोई बजलिंग नहीं होगी, है ना, विदाउट इंजन्स, और ना कोई इंजन्स की आवाज़ आएगी। इंजन्स का मतलब आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी, जैसे व्हीकल्स वगैरह हैं या इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं या मशीन्स वगैरह हैं, उनकी आवाज़ नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सभी साथ साथ होंगे, टुगेदर मतलब साथ साथ होंगे, हम सभी कैसे होंगे, साथ साथ होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, एक विचित्रता में, एक अचानक हुई विचित्रता में, सडन का मतलब अचानक हुई और स्ट्रेंजनेस मतलब विचित्रता, एक अचानक हुई विचित्रता में हम सभी साथ साथ हो जाएंगे, यानी जब पूरी दुनिया रुक जाएगी कुछ समय के लिए और सभी लोग इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, वो ऐसा इमेजिन कर रहा है जो पोइट है,
और वो हमसे कह रहा है कि हमें एक साथ रुक जाना चाहिए और हमें आत्मचिंतन करना चाहिए कि वाकई क्या हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कि लोग जो है भाग दौड़ भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना, पैसे पैसे के लिए भाग रहे हैं या किसी चीज़ को पाने की इच्छा रख रहे हैं, तो मतलब भागते जा रहे हैं, आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं कि हमें जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस एक ही राह पर चलते जा रहे हैं और चलते ही जा रहे हैं, है ना। तो इसलिए वो हमसे कहता है कि हमें थोड़े समय के लिए रुकना चाहिए। ठीक है, तो वी वुड द्वारा से देख लो, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी को साथ साथ होना चाहिए, इन अ सडन स्ट्रेंजर, एक अचानक हुई विचित्रता के साथ। ठीक है, अगला पैराग्राफ है फिशर में, अब वो एग्जांपल देता है कि जब हम सभी लोग साथ हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, यूनिटी में हो जाएंगे, जब हम सबों की एक दूसरे से यूनिटी हो जाएगी, एक सूत्रता हो जाएगी, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट देखो क्या आएगा, वो कुछ एग्जांपल देकर समझा रहा है। फिशरमैन जो मछुआरे होते हैं इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में, फिशरमैन जो कि ठंडे सागर में होते हैं, वुड नॉट हार्म द वेल्स, वो वेलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, वो वेलों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कहने का मतलब ये है, जो फिशरमैन होते हैं, जो फिशिंग करते हैं, जो मछलियाँ पकड़ते हैं, वो जब इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो कुछ समय के लिए वेल्स उनके नुकसान, मतलब वेल्सों का नुकसान नहीं हो पाएगा, वेल्स मरेंगी नहीं, वेल्स को पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, एंड द मैन गैदरिंग सेल्ट, और जो व्यक्ति गैदरिंग सेल्ट करते हैं, गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करते हैं, साल्ट मतलब नमक, जो कि नमक इकट्ठा करने वाले होते हैं, साल्ट गैदरर जो लोग होते हैं, वुड लुक, वो देख पाएंगे एट इज हर्ट हैंड्स, अपने हर्ट हैंड्स कहते हैं जख्म भरे हुए या जख्मी हाथों को, ऐसा कह सकते हैं आप, वे अपने जख्मी हाथों को, डैमेज्ड हाथों को देख पाएंगे कि यानी वो रोज़ाना क्या करते हैं, नमक ढोते हैं, तो नमक ढोने से उनके हाथ जो है एकदम कठोर हो गए हैं, एकदम जो है रफ़ हो गए हैं, तो वो अपने रफ़ हाथों को देख पाएंगे, उनको मौका मिल पाएगा कि हाँ मैं अपने हाथों को भी देख पा रहा हूँ, है ना। चलिए दोबारा से देख लो, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में जो फिशरमैन है वो वुड नॉट हार्म द वेल्स, वो वेलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और जो मैन है जो गैदरिंग करते हैं साल्ट को, साल्ट मतलब नमक को, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने जो जख्मी हाथ हैं उनको देख पाएंगे, यानी उनको देखने का समय उनको मिल पाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, अब वो बता रहा है कि जो लोग इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते हैं और आत्मचिंतन नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो बता रहा है पोएट हमें पेब्लो नरूडा ये बता रहे हैं कि दोज वे लोग हु प्रिपेयर, जो तैयारी करते हैं ग्रीन वार्स की, ग्रीन वार्स, ग्रीन का मतलब हरियाली होता है, नेचर होता है, तो जो नेचर को बर्बाद करने की तैयारी करते हैं, ग्रीन वार्स का मतलब होता है नेचर को बर्बाद करना, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, है ना, जंगलों को काटना, है ना, या मृदा को ख़राब करना, या एक्स वाई जेड जो भी हो, तो नेचर को ख़राब करने का जो तैयारी करते हैं, वार विद गैस का मतलब आप समझ सकते हैं एक तरीके से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करना, तो वे लोग जो ग्रीन वार्स यानी नेचर को ख़राब करते हैं, वार्स विद गैस जो कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा करते हैं, वार्स विद फायर, ये सिम्बॉलिक मीनिंग्स हैं यहाँ पे, ठीक है, मतलब डायरेक्ट इनकी हिंदी नहीं समझनी है कि वार विद फायर, आग का युद्ध ऐसा कुछ नहीं करना है इसकी हिंदी, या गैस का युद्ध इस तरीके से हिंदी नहीं करना है, ये सिम्बॉलिक मीनिंग दिए हुए हैं। तो दोज वे लोग जो प्रिपेयर, जो तैयार करते हैं ग्रीन वॉर्स मतलब वार ऑफ नेचर, या आप कह सकते हैं नेचर का डिस्ट्रक्शन, यानी नेचर को जो ख़राब करते हैं, वार्स विद गैस जो कि मतलब पॉइजनस गैसों को फैलाते हैं, है ना, चाहे वो फैक्ट्री के द्वारा धुआं हो या गंदगी हो या कोई भी पॉल्यूटेड गैस हो उसके द्वारा, वार विद फायर, और जो वार विद फायर का मतलब होता है जो युद्ध होते हैं ना उनमें जो फायर मतलब एक्सप्लोजन, विस्फोट वगैरह जो होते हैं, तो जैसे कि टेररिज्म वगैरह कह सकते हो आप इस तरीके से, तो जो टेररिज्म वगैरह फैलाते हैं या जो युद्धों में बैटल्स में जो विस्फोटक यूज किए जाते हैं उनकी जो तैयारी करते हैं, उस विक्ट्री विद नो सर्वाइवल, उनकी विजय तो होगी बट विद नो सर्वाइवल, लेकिन उनका कोई सर्वाइवल नहीं होगा, सर्वाइवल मतलब जीवित रहने वाला व्यक्ति ना होगा, यानी एक दूसरे को लोग मारेंगे काटेंगे तो क्या होगा, किसी ना किसी की जीत तो होगी लेकिन कोई बचेगा नहीं, खुशी मनाने के लिए, इन्जॉय करने के लिए कोई बचेगा नहीं, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे को मार रहा है,
तो इसीलिए पोएट जो है हमसे कहते हैं कि जो लोग ग्रीन वार्स करते हैं यानी नेचर को पॉल्यूट करते हैं, वार्स विद गैस करते हैं, वार्स विद गैस का मतलब है पॉल्यूशन फैलाते हैं, वार्स विद फायर्स का मतलब है एक्सप्लोजन करते हैं, विस्फोटक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, विक्ट्री उनकी विजय तो होगी विद नो सर्वाइवल, लेकिन कोई सर्वाइवर नहीं होगा, सर्वाइवर मतलब कोई जीवित रहने वाला व्यक्ति नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और वे लोग पुट ऑन माने होता है वैसे तो पहनना होता है, लेकिन यहाँ लिटरल मीनिंग नहीं निकालेंगे, पुट ऑन का मतलब धारण करना, वे लोग जो ऐसा कर लेंगे मतलब ऐसा नहीं करेंगे, वो पुट ऑन वो धारण कर लेंगे क्लीन क्लॉथ्स। अब क्लीन क्लॉथ्स का लिटरल मीनिंग तो होगा साफ़ कपड़े, लेकिन यहाँ साफ़ कपड़े नहीं है, वे लोग नया आइडिया, क्लीन क्लॉथ्स का मतलब है न्यू आइडिया या न्यू पर्सपेक्टिव, है ना, या न्यू बिगनिंग बोल सकते हैं आप, न्यू बिगनिंग, वे लोग नई शुरुआत को धारण कर लेंगे या नए पर्सपेक्टिव को, नए आइडिया को धारण कर लेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ चलेंगे। भाइयों के साथ चलने का मतलब है कि एक दूसरे को अपना भाई मानेंगे, एक दूसरे को अपना भाई मानेंगे, कोई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेगा और कोई एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा, कोई एक दूसरे को मारेगा नहीं, और वे एक दूसरे को भाई समझ के एक साथ चलेंगे। इन द शेड का मतलब होता है इन द प्रोटेक्शन, शेड का मतलब यहाँ प्रोटेक्शन से, ठीक है, इन द प्रोटेक्शन, इज दैट क्लियर। चलिए, डूइंग नथिंग, डूइंग नथिंग, और वे कुछ नहीं करेंगे, वे कुछ नहीं करेंगे, यानी जब वो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे होंगे तो उनको कुछ नहीं करना होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। वाट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, मैं मतलब कौन, जो पोएट है पहलो नरुड़ा, जो मैं चाहता हूँ शुड नॉट बी कन्फ्यूज, मुझे ऐसा लगता है वो तुम्हें कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, वो तुम्हें कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, विद टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता से, पूर्ण निष्क्रियता से, मतलब आप ये मत समझ लेना कि मैं आप सभी लोगों से पूर्ण तरीके से निष्क्रिय होने की कह रहा हूँ, बात समझ में आ रही है, पूर्ण तरीके से निष्क्रिय होने की मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि वाट आई वांट, जो मैं चाहता हूँ शुड नॉट बी कन्फ्यूज, शुड नॉट बी कन्फ्यूज, वो आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहिए, यानी वो बात आपको कन्फ्यूज नहीं करनी चाहिए, विद टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण इनएक्टिविटी के साथ, पूर्ण निष्क्रियता के साथ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आप सभी लोगों से निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो केवल इतना कह रहा हूँ कि कुछ समय के लिए आप इनएक्टिव हो जाओ, कुछ समय के लिए अपना काम धंधा छोड़ दो और आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप अपना सही और गलत समझ पाएंगे, अपना भी, अपने देश का भी, अपने परिवार का भी, ठीक है। चलिए, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, जीवन वही है जो होता है, यानी जीवन वही है जो चलता है या जो होता है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, मेरा ट्रक का मतलब होता है डील विद डेथ, नो ट्रक विद डेथ का मतलब है नो डील विद डेथ, यानी मेरा मतलब मृत्यु से लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना मृत्यु से नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप मर जाओ, टोटल इनएक्टिविटी कह रहा हूँ मैं आपसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा लेना देना मृत्यु से है, समझ रहे हो। मैं ये नहीं चाहता कि मैं आप सभी से ये कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल डेथ हो जाओ, आप बिल्कुल मर जाओ। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम ना होंगे सो सिंगल माइंडेड, इतना एकाग्र, यानी हम अपने टारगेट की ओर इतना एकाग्र ना होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और अपनी लाइफ्स को मूविंग चलते ना देने देंगे, मतलब हमारी लाइफ चलती जा रही है और हम सिंगल माइंडेड होके उसका पीछा करते जा रहे हैं, ना आगे देख रहे, ना पीछे देख रहे, ना सही देख रहे, ना गलत देख रहे, बस चलते जा रहे हैं, मूविंग करते जा रहे हैं अपनी लाइफ को। तो वो कह रहा है पोएट के इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम सिंगल माइंडेड ना होंगे अबाउट कीपिंग अवर लाइफ मूविंग, अपनी लाइफ को चलाने में, एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए कुड डू नथिंग, कुछ भी ना करेंगे, यदि हम कुछ भी ना करेंगे तो शायद क्या होगा, ह्यूज साइलेंस, एक बड़ी चुप्पी माइट इंटरप्ट, बाधित कर देगी, रोक देगी दिस सैडनेस, इस दुख को ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, अपने आप को ना समझने के, यानी हम अपने आप को कभी समझ ही नहीं पाते हैं, इस दुख को, वो जो साइलेंस है, जो हमने कुछ समय के लिए जो साइलेंस रखा है, वो साइलेंस हमारे उस दुख को इंटरप्ट कर देगा, इंटरप्ट मतलब बाधित कर देगा, है ना, ख़त्म कर देगा, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, और हम थ्रेटनिंग माने डरते हैं अवर सेल्फ खुद से, और हम अपने आप से डरते हैं, खुद से डरते हैं विद डेथ, किससे, मृत्यु से,
हमें डर रहता है, मृत्यु का भय रहता है कि हमें मृत्यु ना आ जाए, उससे पहले हमें अपने टारगेट को अचीव करना है। तो उस डर से हमें वो ह्यूज साइलेंस है, वो जो शांति है, जो हमारा कंसंट्रेशन है, जो हमारी थोड़े बहुत देर के लिए इंट्रोस्पेक्शन है, वो उसको इंटरप्ट कर देगा। इंटरप्ट मतलब बाधित कर देगा। इज दैट क्लियर? चलिए अगला पैराग्राफ है आपका, परहैप्स, शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद ये बात हमें पृथ्वी अच्छे तरीके से सिखा सकती है, शायद ये बात पृथ्वी हमें अच्छे तरीके से सिखा सकती है। देखिए पृथ्वी में क्या होता है, चीज़ों का डेमोलिश भी होता है, चीज़ें ख़त्म भी होती हैं और चीज़ें उत्पन्न भी होती हैं। आपने देखा होगा कोई पेड़ जब ख़त्म हो जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा पेड़ उगता है, फिर तीसरा उगता है। तो मतलब चीज़ों की डेथ भी होती है और चीज़ें ग्रो भी होती हैं। तो वो कह रहा है लेखक कि जो अर्थ है कैन टीच अस, वो हमें सिखा सकती है। एज वैन एवरी थिंग सीम्स डेड, जब हर चीज़ डेड प्रतीत होती है, डेड मतलब मृत प्रतीत होती है, एंड लेटर और बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव, तब वह जीवित हो जाती है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं धरती में जो कि ख़त्म होने को लगती हैं कि वो ख़त्म हो रही है, लेकिन वो बाद में पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये कौन सिखाता है हमें? पृथ्वी सिखाती है। जैसे कि पतझड़ के मौसम में आपने देखा होगा कि पत्ते सारे गिरने लग जाते हैं, और जैसे बसंत का मौसम आता है फिर से नई पत्तियाँ आती हैं, है ना? तो जो अर्थ है, जो हमारा नेचर है, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और तुम सभी को क्या रहना है? शांत रहना है। शांत रह के करना क्या है? शांत रह के अपने आप को आत्मचिंतन करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है, और अपने आप से पूछना है कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या हम कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, आई विल गो, और मैं यह कहकर चला जाऊँगा, यानी मैं 12 गिनने के बाद चला जाऊँगा। इज दैट क्लियर? तो आपको मैंने पूरा चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझा दिया है, और आई होप आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।